और फुकन। नमस्कार, मैं राजा भारत की आत्मा हूँ। मुझसे ही आपके देश का नाम पड़ा भारत। मैंने इतिहास की बहुत सारी घटनाएं अपने अंतरकरण में समाये रखी हैं। ये आपको अपने गौरवशाली इतिहास और आपके शूरवीरों के साहसिक कार्यों से अवगत करवाएंगी। आज की कहानी के लिए चलते हैं असम। तकरीबन 1665 अहोम राज्य में कौन बनेगा बोरफुकन, यह महत्वपूर्ण प्रश्न राजा चक्रध्वज सिंघा ने अपने मंत्रियों और प्रधानमंत्री अतन बोरा गोहेन को पूछा। काफी विचार विमर्श के बाद सभी की नजर एक व्यक्ति पर पड़ी, लसित। आज से लसित होगा हमारा बोरफुकन। ये घोषणा कर राजा चक्रध्वज सिंघा ने लसित को अहोम सेना का मुख्याध्यक्ष बना दिया। बोरफुकन नाम नहीं, अहोम सेनापति का खिताब है। अहोम सेना की संरचना बहुत ही व्यवस्थित थी। एक देका 10 सैनिकों का, बोरा 20 सैनिकों का, सैकिया 100 सैनिकों का, हजारिका 1000 सैनिकों का, राजखोवा 3000 सैनिकों का, फुकन 6000 सैनिकों का संचालन करता था। बोरफुकन इन सभी का प्रमुख होता था। किंतु आपको लसित का महत्व समझने के लिए अहोम इतिहास का सारांश जानना जरूरी है। सन 1228 ईस्वी में असम में ताई अहोम वंश का शासन स्थापित हुआ, जो म्यांमार से आए थे। इस राजवंश ने सदियों तक खिलजी, तुगलक, इलियास शाही, लोदी और बंगाल सुल्तानों के आक्रमण से सफलतापूर्वक अपनी रक्षा की। लेकिन सन 1638 ईस्वी में मुगलों के एक बड़े आक्रमण में उन्हें हार कर आर्थिक हानि झेलनी पड़ी। फिर सन 1658 में औरंगजेब मुगल बादशाह बना और सन 1661 में उसने अपने दो प्रमुख सेनापतियों मीर जुमला और दिलेर खान को पहले बंगाल और फिर असम भेजा। अहोम साम्राज्य की एकता और शौर्य, जिनके बल पर उसने इतने लंबे समय तक सारे आक्रमणकारियों को सफलतापूर्वक रोक रखा था, अब टूटने लगी थी। इस हमले में वो पराजित हो गए। कई किले तो बिना कोई लड़ाई लड़े ही हाथ से निकल गए। अहोम के राजा जयध्वज सिंघा को पीछे हटना पड़ा और उन्होंने पूर्वोत्तर का बड़ा हिस्सा इस लड़ाई में खो दिया। उनको एक अपमानजनक संधि के लिए राजी होना पड़ा, जिसमें न सिर्फ राज्य, धन, भूमि, युद्ध के हाथी, बल्कि अपनी 6 साल की बेटी को भी मुगल हरम में देना पड़ा। इस पराजय और अपमान के कारण राजा जयध्वज सिंघा को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा और जल्द ही उनकी मृत्यु हो गई। उनके बाद चक्रध्वज सिंघा को राजा बनाया गया और वहां से शुरू होती है लसित बोरफुकन की कहानी। लसित का जन्म सन 1620 में हुआ। उनके पिता मोमई तामुली बारबरू राज्य में एक उच्च पद पर अधिकारी थे। लसित को बचपन से ही राजकाज के कामों में रुचि थी। अपने परिश्रम से वो जल्दी ही सोलधारा बरुआ यानी शाही शॉल धारक बन गए, जो कि राज्य का प्रधान सचिव होता है। समय के साथ उन्हें कई और महत्वपूर्ण पदों पर आसित किया गया, जैसे राजकीय घोड़शाला का अधीक्षक, राजा की सुरक्षा व्यवस्था का अधीक्षक इत्यादि। बोरफुकन बनने के बाद उनके सामने बहुत चुनौतियां थी। एक तरफ मुगलों की विशाल और संगठित सेना, जिनके पास शाइस्ता खान और दिलेर खान जैसे अनुभवी सेनापति थे, दूसरी तरफ अहोम की निराश और विभाजित सेना। अगले 4 सालों तक उन्होंने पूरा ध्यान सेना के निर्माण और अस्त्रों को जुटाने में लगाया। नए सैनिकों की भर्ती, जल सेना के लिए नौकाओं का निर्माण, युद्ध के हथियारों की आपूर्ति, तोपों का निर्माण, किलों के लिए मजबूत रक्षा प्रबंध इत्यादि। इन सब तैयारियों की मुगलों को भनक तक नहीं लग पाई, क्योंकि साथ में दोस्ती का दिखावा चलता रहा। ये राजनीतिक सूझबूझ और दूरदर्शिता का अत्यंत उत्तम उदाहरण था। सन 1667 में गुवाहाटी का फौजदार रशीद खान को बदलकर फिरोज खान को नियुक्त किया गया। वो बहुत ही अय्याश किस्म का व्यक्ति था। उसने चक्रध्वज सिंघा को सीधे सीधे असमिया लड़कियों को अपने पास भेजने का आदेश दिया। इस घटना ने आग में घी डालने का काम किया और लोगों को मुगलों के खिलाफ लड़ने के लिए जोश दिलाया। लसित ने गुवाहाटी के किले को मुगलों से छीनने का निर्णय लिया। उनके पास एक शक्तिशाली और निपुण जल सेना थी और साथ ही जासूसों का जाल था। हाँ, लेकिन कमी थी तो घुड़सेना की। घेराबंदी करने के महीनों बाद तक भी गुवाहाटी को स्वतंत्र नहीं करा सके, जिसकी रक्षा इटाकुली का किला कर रहा था। अंत में उन्होंने दूसरी योजना बनाई, जिसमें इस्माइल सिद्दीकी उर्फ बाघ हजारिका के नेतृत्व में 10-12 सिपाहियों ने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए
चुपके से किले में प्रवेश कर लिया और मुगल सेना की तोपों में पानी डाल दिया। अगली सुबह ही लसिथ ने इटाकुली किले पर आक्रमण कर उसे जीत लिया और एक बार फिर से गुवाहाटी ने आजादी की सांस ली। जब औरंगजेब को इसके बारे में पता चला तो वो गुस्से से तिलमिला उठा। उसने मिर्जा राजा जयसिंह के बेटे राम सिंह को 70,000 सिपाहियों की बड़ी सेना के साथ लसिथ से लड़ने भेजा। दिलचस्प बात यह है कि राम सिंह के साथ सिखों के नौवें गुरु तेग बहादुर सिंह भी आसाम आए थे, पर उन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया। राम सिंह को डर था कि असामिया काला जादू और तांत्रिक विद्या में निपुण थे और उन्हें लगा कि गुरु तेग बहादुर इसे संभाल लेंगे। उधर लसिथ ने बिना एक पल गंवाए किलों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए सारे जरूरी इंतजामों को चालू कर दिया। एक बार उन्होंने अपने ही मामा को लापरवाही के कारण सिपाही की जान को जोखिम में डालते हुए पकड़ा और तुरंत ही उनका सिर कलम करवा दिया। उनका कहना था कि चाचा मामा देश से बड़े नहीं होते। इस घटना ने लसिथ बोरफुकन को अपने ही सिपाहियों की नजरों में उठा दिया। सबको यह विश्वास होने लगा कि मुगलों से सामना करना नामुमकिन नहीं है। अहोम सेना जब तक छापामार या गुरिल्ला युद्ध कर रही थी तब तक राम सिंह पर भारी पड़ रही थी। राम सिंह ने फिर कपट का प्रयोग किया। लसिथ से नाराज सेना प्रमुखों को गद्दारी के लिए पैसों का लालच देकर अपनी ओर करने में कुछ हद तक सफल भी हुआ। फिर उसने अहोम सेना को खुले युद्ध के लिए उकसाया। लसिथ को पता था कि खुले युद्ध में मुगलों से जीत पाना असंभव है क्योंकि उनके पास बेहतरीन घुड़सेना है, लेकिन राजा चक्रध्वज सिंघा ने बेताब होकर सीधे युद्ध का आदेश दे डाला। अलाबोई के मैदानी युद्ध 1669 में अहोम सेना की भयानक हार हुई। लसिथ के 10,000 से ज्यादा सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, पर खुशकिस्मती से लसिथ बच निकले और राज्य को भी बचाए रखा। दुर्भाग्य से 1670 में राजा चक्रध्वज सिंघा का देहांत हो गया और उदयादित्य सिंघा नए राजा बने। सन 1671 की शुरुआत में राम सिंह को अपने गुप्तचरों से पता चला कि अंदुराबली के किनारे पर रक्षा इंतजामों में भेद किया जा सकता है और गुवाहाटी को फिर से हथियाया जा सकता है। उसने इस अवसर का फायदा उठाने के उद्देश्य से ब्रह्मपुत्र नदी के पास विशाल मुगल नाव सेना खड़ी कर दी। उसके पास 40 जहाज थे जो सभी 16 बंदूकों और छोटी नौकाओं को ले जाने में समर्थ थे। दुर्भाग्यवश लसिथ इस समय गंभीर रूप से इतने बीमार पड़ गए कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। सन 1671 में मार्च महीने में सरायघाट की लड़ाई शुरू हुई। ये उस यात्रा का अंतिम पड़ाव था जो 8 वर्ष पहले मीर जुमला के आक्रमण से शुरू हुई थी। ये बहुत अनोखी लड़ाई थी, भारतवर्ष के इतिहास में शायद अकेली महत्वपूर्ण लड़ाई जो पूर्णतया नदी में लड़ी गई, विशालकाय ब्रह्मपुत्र नदी में। पहले तो अहोम सेना का प्रदर्शन और योजना फीकी साबित हुई और असमिया पीछे हटने लगी। जब लसिथ को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने अपने वैद्य और ज्योतिष दोनों की इच्छा के विरुद्ध जाकर लड़ने का निर्णय लिया। उनका कहना था कि मुझे अकेला भी लड़ना पड़े तो मैं लड़ूंगा। जल में जो त्रिभुज बन गया था, कामाख्या मंदिर, अश्वक्लांता के विष्णु मंदिर और इटाकुली किले के बीच, उसमें घमासान लड़ाई हुई। असमिया सेना ने अपनी सालों की तैयारी और युद्ध की दक्षता का पूरा उपयोग किया। अहोम सेना ने काफी आधुनिक युक्तियों का उपयोग किया, जैसे पानीगढ़ जहां हथियार इकट्ठा कर शत्रु पर दागे जा सकते थे, नाव से रचे हुए पुल जो छोटे किले बन गए, अहोम की बच्छारी नाव जो मुगलों की नाव से छोटी थी पर ज्यादा तेज और खतरनाक। अहोम सेना दोनों तरफ से मुगलों पर टूट पड़ी और इतने में मुगल सरदार मुनव्वर खान गोली से मात गया। इससे मुगलों में गड़बड़ी मच गई और दिन के अंत तक उनके 3 अमीर और 4,000 सिपाही मारे जा चुके थे। मुगल सेना पूरी तरह से बर्बाद होकर मानस नदी के पार भाग चुकी थी। सरायघाट की जीत ने जो आधारशिला रखी, उसकी बदौलत आगे आने वाले राजाओं जैसे कि रुद्र सिंह ने असम का खूब सांस्कृतिक और आर्थिक विकास किया, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण करवाया। मुगल जीत शायद अपने साथ सर्वनाश, सांस्कृतिक विनाश और मुगल गुलामी लाती, लेकिन लसिथ बोरफुकन और बाघ हजारे का उर्फ इस्माइल सिद्दीकी जैसे लोगों की बहादुरी और प्रभावशाली नेतृत्व के कारण ये हो नहीं सका। अफसोस, सन 1671 में लसिथ अपनी बीमारी के चलते इस युद्ध के कुछ दिन बाद चल बसे। सन 1682 में एक आखिरी युद्ध हुआ जिसमें अहोम सेना ने इटाकुली किले से मुगलों को भगा दिया और मुगल फिर कभी असम की ओर नहीं आए। लसिथ बोरफुकन, अतन बोरगोहेन और बाघ हजारिका जैसे वीर पुरुष आसाम में तो बहुत प्रसिद्ध हैं, किंतु आसाम के बाहर बहुत लोग इनकी घटनाओं को नहीं जानते। पर गर्व की बात है कि हर साल
24 नवंबर को आसाम में लसित दिवस मनाया जाता है। आशा है कि ऐसे महापुरुषों की ख्याति बनी रहे, बढ़ती रहे और आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करती रहे।